तेरी याद आ गई के साथ आपका सैयद सरवत जोहा। वो नकाबे रुख उलट कर अभी सामने ना आए। आज हम मुजीब आलम को याद करेंगे। कोई जाके उनसे कह दे, कोई जाके उनसे कह दे हमें यू नया आजमाए, कोई जाके उनसे कह दे हमें यू नया आजमाए, उन आगे रुख उलट कर। कैसे दिल पे काबू वो जो मुस्कुरा के देखूं, रहे कैसे दिल पे काबू वो जो मुस्कुरा के देखें, कोई किस तरह ना पहने के वो नजर से जब फिलाए, कोई जाके उनसे कह दे हमें यूं न आजमा, नकाबे रुख उलट कर। मुजीब आलम 1948 में कानपुर में पैदा हुए और उसके बाद अपने वालदैन के साथ उन्होंने हिजरत की। मुजीब आलम एक बहुत मुनफरिद फनकार इस लिहाज से भी था कि उसकी गायकी उसकी आवाज़ तो मुनफरिद थी, लेकिन एक इनफरादियत ये भी थी कि मुजीब आलम ने बहुत कम अरसा पसे पर्दा गुलकार की हैसियत से फिल्मी दुनिया में काम किया और ये दौरानिया कमोबेश 10 साल का है। मेरे नज़दीक मुजीब आलम ने बहुत ही कम अरसे गुलकारी की, लेकिन जितने भी उन्होंने गाने गाए वो बहुत ही खूबसूरत और दिलकश अंदाज में गाए। जी हाँ, मुजीब आलम ने 1967 में एक फिल्म चकोरी, जो कि उस वक्त की गोल्डन जुबली फिल्म थी, और वही फिल्म उनको निगार अवार्ड दिलाने में भी कामयाब रही। मेरे सामने तस्वीर बने बैठे हैं, वो मेरे सामने तस्वीर बने बैठे हैं, मेरे हर ख्वाब की ताबीर बने बैठे हैं, वो मेरे सामने देखे तो कमल बन जाए, रात इन होंठों को रात इन होंठों
होठों को छू ले तो गजल बन जाए, इनकी जुल्फों का हाल मत पूछो, मुझसे मेरा ख्याल मत पूछो। ये तो उलझी हुई जंजीर बने बैठे हैं वो मेरे सामने। मुजीब आलम के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये वो वाहिद फनकार था जो मेहदी हसन साहब और अहमद रुश्दी का कॉम्बिनेशन था। मेरे हमनशीं मुबारक तुझे प्यार की ये मंजिल, तुझे मिल गई वो दौलत जो है जिंदगी का हासिल, वो गुमा था एक हकीकत ये यकीन आ रहा है, मैं खुशी से क्यों न गाऊं। खुशी भी क्या खुशी है कि निकल पड़े हैं आंसू, ये खुशी भी क्या खुशी है कि निकल पड़े हैं आंसू, कहीं दिल ना बैठ जाए कि नहीं नजर दूं तो क्या दूं, मेरे पास क्या रहा है, मैं खुशी से क्यों न गाऊं। मेरा दिल भीगा रहा है, ये फजा हसी है इतनी, ये नशा है बेकरार, तमन्ना जरा ठहर जाओ है बेकरार, तमन्ना जरा ठहर जाओ, नजर में भर लो ये जलवा जरा ठहर जाओ है बेकरार, तमन्ना शिकवा जरा ठहर जाओ है बेकरार, तमन्ना जरा ठहर जाओ है बेकरार, तमन्ना। मुजीब आलम की आवाज में एक ये खूबसूरत नगमा, एक खूबसूरत शायरी और उनकी खूबसूरत गायकी। यकीनी तौर पे हम इस नगमे को मुकम्मल तौर पे फरामोश कर चुके हैं, लेकिन यह हकीकत है कि मुजीब आलम का
ये नगमा किसी ज़माने में बहुत मशहूर हुआ था। जी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मुजीब आलम ने बहुत ही कम अरसे गुलूकारी की, लेकिन जो भी की बहुत अच्छे अंदाज से की और लोगों ने उसको सुना भी और सराहा भी। चकोरी के बाद उनकी ये फिल्म शमा और परवाना, जी हाँ, इस फिल्म में भी जो उन्होंने नगमे और गीत गाए वो बहुत मकबूल हुए और काफ़ी मकबूल भी हुए गाने वो। आइए उन गानों को सुनते भी हैं और देखते भी हैं। इससे पहले कि तेरी चश्मे करम माजरत की निगाह बन जाए, प्यार ढल जाए मेरे अशकों में, आरजू एक आह बन जाए, मुझ पे आ जाए इश्क का इल्जाम, और तू बेगुनाह बन जाए, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, दिल तेरी याद में जब भी घबराएगा, कौन यादों को जंजीर पहनाएगा, दिल तेरी याद में अजनबी शहर में हर आहट पे यूं लगता है आए हो तुम प्यार लिए, लब पे खुशी का गीत सजा के आँखों में इकरार लिए, कब तक यूं ही दिल बहलाए, इतना बताने आ जाओ तुमने वादा किया था आने का, अपना वादा निभाने आ जाओ तुम, आ जाओ तुमने वादा। तुमसे मिलकर मेरी दुनिया ही बदल जाती है, रूह की सारी थकन प्यार में ढल जाती है, तुमसे मिलकर मेरी दुनिया। अजी की एक फिल्म जाने आरजू, इसमें मुजीब आलम का ये खूबसूरत नगमा शामिल था। आप नगमा देखें और आप नगमा देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि जहाँ तक जाने आरजू की बात है वहाँ दो आरजुएँ हैं जिनसे वहीद मुराद मुखातिब हैं। ए जाने आरजू तुझे कैसे भुलाएं, आ जाके दे रहे हैं अभी तक सदाएं हम, एक हसीन मोड़ पे
हम बस इतना याद है कि नजर से नजर मिली फिर उसके बाद कुछ भी ना अपनी खबर मिली देते हैं तीर खाके भी तुझको कमर कबल शायर जो देख पाए तो कहने लगे गजल तुझ पर गजल कहे तो बड़ी दाद पाए गाने नजर को जुबान मिली हमको खामोशियों में भी एक दास्तां मिली पहले वो त्यूरियां तेरा माथे पे डाल मिना फिर मुस्कुरा के वो तेरा आंचल तस्वीर दिल से वो तेरी कैसे मिटाएं हम ऐ जाने आरज़ू ढूंढा है तुझको हमने भरी कायनात में चमका न कोई चांद जवानी की रात में जब भी धुआं उठा है दिले दाग दाग से पूछा है हमने तेरा पता हर चराग से तू मिल सके तो फिर से नसीब आजमाए हम आ जाके दे रहे हैं अभी तक सदाए हम ऐ जाने आरज़ू। मुजीब आलम ने अपने उस मुख्तसर से सफ़र में तमाम बड़े फ़नकारों के साथ काम किया, उनके वो ड्यूट्स जो उन्होंने नूरजहाँ के साथ गाए, मादाम नूरजहाँ के साथ गाए हुए उन ड्यूट्स को भी बहुत मकबूलियत हासिल हुई, फिल्म लाखों में एक और ये खूबसूरत दो गाना हमें अच्छी तरह आज भी याद है। सब दस्तूर हैं झूठे जग के झूठी हैं सारी रस्में सब दस्तूर हैं झूठे जग के झूठी हैं सारी रस्में ये मंजूर है कब दुनिया को मिलके रहें आपस में अब आ भी जाओ जहाँ हो तड़पाने वाले कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो
आलम ने बहुत ही कम अरसे गुलूकारी की, लेकिन जो भी की बहुत अच्छे अंदाज से की और लोगों ने उसको सुना भी और सराहा भी। प्यार में दो दिल आज मिले हैं, अरमानों के फूल खिले हैं। हाँ तो भी मेरे गीत है तेरा, साजने का ही मीत है मेरा, साजने तू ही मीत है मेरा, मेरा मेरा मेरा। अरे अरे दिल के सहारे, दिल की हर धड़कन तुझको पुकारे, आरे आरे। चाहत के सिवा कुछ भी न बचे, यूं खुद को भुलाना मुश्किल है, यूं खो गए तेरे प्यार में हम। ऐसा लगता है कि सन 70 के वस्त में मुजीब आलम को हस्बे रिवायत फिल्मी दुनिया ने नजरअंदाज करना शुरू कर दिया।
फिल्मी दुनिया से उनका रब्ता मुनक़ता हो चुका था। मुजीब आलम ने 2004 में जून 2004 में कराची में इंतकाल किया। ये किस जुर्म की सजा दे रहे खुदा के लिए हमको इतना बता दो, मोहब्बत भरे दिल को तू तोड़ देना, मोहब्बत भरे दिल को तू तोड़ देना, अदावत नहीं है तो फिर और क्या, जरा तुम ही सोचो बिछड़ के ये मिलना, मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है, मिले तेरी याद आ गई। ये प्रोग्राम करने का ये मकसद यही है कि हम उन आवाजों को जिंदा रखें। आलम एक बहुत बड़ा फनकार है कि मुजीब आलम का ताल्लुक उसी मिट्टी से जिस मिट्टी से हमारा ताल्लुक है। मुजीब आलम की आवाज़ को जिंदा रखना हमारा काम और यही थोड़ी बहुत कोशिश तेरी याद आ गई प्रोग्राम के साथ हम करते हैं। इजाज़त दीजिएगा, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें।